भारत के उत्तर में स्थित है उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड बटा हुआ है दो मंडलों में, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। यानी एक क्षेत्र है गढ़वाल और दूसरा क्षेत्र है कुमाऊं। और यहाँ की भाषा, रहन-सहन, खान-पान एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि गढ़वाल और कुमाऊं इन शब्दों की उत्पत्ति हुई कहाँ से? क्यों एक क्षेत्र को गढ़वाल और क्यों एक क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाता है? और ये प्रश्न अगर कभी आपके दिमाग में आया हो, तो आज हम इसका आंसर आपको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है कुमाऊं को कुमाऊं और गढ़वाल को गढ़वाल, और क्या है इसके पीछे का इतिहास। नमस्कार साथियों, मैं चंदन सिंह नेगी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेगी जी क्लासेस में। और आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है गढ़वाल और कुमाऊं के नामों की उत्पत्ति को लेकर के। ये जो उत्तराखंड का क्षेत्र है कुमाऊं और गढ़वाल, इन अलग अलग क्षेत्रों पे पहले से ही अलग अलग राजाओं का राज रहा है, और इसीलिए यहाँ की संस्कृति और यहाँ की भाषा और यहाँ का रहन-सहन ये सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हैं। जो कुमाऊं क्षेत्र के लोग हैं इन्हें कुमाऊनी कहा जाता है, और गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को गढ़वाली कहा जाता है। जो ये कुमाऊं शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है जब भगवान विष्णु ने अपना कुर्मा अवतार लेकर के चंपावत में स्थित चंपावती नदी के तट पर कुर्म पर्वत पर 3 वर्ष खड़े होकर तपस्या की थी, और तभी से इस क्षेत्र का नाम कुर्मांचल पड़ा, जो कि आगे जाकर धीरे धीरे कुमाऊं के नाम से जाना जाने लगा। जो ये कुर्मावतार है ये भगवान विष्णु का कछुए का रूप में अवतार था, और भगवान विष्णु ने इस चंपावत में कुर्म पर्वत या कामदेव पर्वत पर खड़े होकर 3 वर्ष तक तपस्या की थी। और 3 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करने के कारण भगवान विष्णु के चरणों के निशान यहाँ पत्थरों पर आज भी अंकित हैं, और तभी से इस पर्वत का नाम हो गया कुर्मांचल, यानी कुर्म प्लस आंचल। कुर्म यानी भगवान विष्णु का कछुआ रूप में अवतार, और ये कुर्मांचल शब्द ही धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हो गया कुमू, ये धीरे धीरे परिवर्तन होते होते हो गया कुमाऊं। सबसे पहले ये नाम चंपावत और उसके आसपास के इलाकों को ही कहा जाता था, लेकिन जब से यहाँ पे चंद वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ तो उनका जितना भी क्षेत्र था वो सब कहलाने लगा कुर्मांचल। और उनका क्षेत्र फैला हुआ था उस समय अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में, और इसी तरह से उत्पत्ति हुई कुमाऊं शब्द की। उस समय के मुगल शासक भी इस राज्य को कुमाऊं कहते थे, इसका उल्लेख आईने अकबरी में भी मिलता है, और आज भी ये क्षेत्र कुमाऊं नाम से प्रचलित है। वैसे ये पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर कुर्म अवतार में खड़े होकर यहाँ पर तपस्या की थी, लेकिन शिलालेखों और ताम्रपत्रों से ये ज्ञात होता है कि इस स्थान का नाम कुर्मांचल या कुमाऊं काफी बाद में पड़ा, क्योंकि सम्राट समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में इस प्रांत को कार्तिकेयपुर कहा गया है, और तालेश्वर में उपलब्ध 5वीं और 6वीं शताब्दी के ताम्रपत्रों में भी कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर इन दोनों नामों का ही उल्लेख मिलता है। और चीनी यात्री हेनसांग जब इस क्षेत्र में आया था तो उसने इस शब्द को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस क्षेत्र का नाम कुमाऊं हो गया। और अब जानते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इस इलाके का नाम गढ़वाल पड़ा। जो ये गढ़वाल है ये कभी 52 गढ़ों का एक देश कहा जाता था। दरअसल में तब यहाँ पर 52 राजाओं का शासन हुआ करता था, जो कि अलग अलग राज्य के राजा थे, और ये सभी स्वतंत्र राजा थे। और जो ये गढ़ होते हैं ये एक प्रकार के छोटे छोटे किले हुआ करते थे। और हेनसांग जब 6वीं शताब्दी में भारत आया था उसने भी लिखा है कि यहाँ के जो गढ़ों के राजा थे वो इनके बीच में आपस में लड़ाई चला करती थी, और इनकी आपसी लड़ाई का ही फायदा उठाकर परमार वंश के प्रतापी राजा अजयपाल ने इन सभी 52 गढ़ों को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया, और स्वयं इन सभी राज्यों का एक छत्र स्वामी बन गया, और अजयपाल कहलाया गढ़वाला, और उसका ये क्षेत्र ही कहलाया गढ़वाल। गढ़वाला यानी इन 52 गढ़ों का एकमात्र राजा। आपने गढ़वाल के बारे में कई किस्से, कहानी और लोक कथाओं में सुना होगा कि यहाँ पे 52 गढ़ हुआ करते थे। तो ये 52 गढ़ थे नागपुरगढ़, जो नागपुरगढ़ था ये नाग जाति से संबंधित था। इसके बाद अगला गढ़ था कोलीगढ़, और ये बछवाड़ बिष्ट जाति से संबंधित था। इसके बाद था रावणगढ़, जो कि बद्रीनाथ के निकट में था, और ये रवाड़ी जाति के लोगों से संबंधित था।
देखिए अब इनमें से कोई गढ़ बचा तो नहीं है, लगभग लगभग सभी गढ़ समाप्त हो चुके हैं, लेकिन पहले ये गढ़ हुआ करते थे। इसके बाद अगला गढ़ था फल्याणगढ़, जो कि फल्दकोट में है और ये फल्याण जाति के ब्राह्मणों से संबंधित था। इसके बाद अगला गढ़ था बांगरगढ़ और ये बांगर में स्थित था और राणा जाति के लोग यहाँ पे शासन किया करते थे। इसके बाद अगला गढ़ था कुलीगढ़ और यहाँ पे सजवाण जाति के लोग शासन किया करते थे। इसके बाद था भरपूरगढ़, ये था भरपूर स्थान पर और यहाँ पे भी सजवाण जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था कुजणीगढ़ और यहाँ पे भी सजवाण जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था सिलगढ़ और ये स्थित था सिलगढ़ स्थान पर, जो सजवाण जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था मुंगरागढ़, यहाँ पे रावत जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था रैकागढ़, यहाँ पे रमोला जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था मैलियागढ़, यहाँ पे भी रमोला जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था उप्पुगढ़, यहाँ पे चौहान जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था नालागढ़ और ये नालागढ़ स्थित है देहरादून में। इसके बाद है सांकरीगढ़, यहाँ ये रमाई में स्थित है और यहाँ पे राणा जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है रामीगढ़, यहाँ पे राणा जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है बिराल्टागढ़, यहाँ पे रावत जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद चांदपुरगढ़, ये चांदपुर में स्थित है, ये सबसे मजबूत गढ़ था और यहाँ पर सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप राज किया करते थे। इसके बाद है चौड़ागढ़, ये भी चांदपुर के पास में स्थित है और यहाँ पे चौंदाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है तोपगढ़, यहाँ पे तोपाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है रानीगढ़, यहाँ पे तोपाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है श्रीगुरुगढ़, यहाँ पे परिहार जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद बंधाड़गढ़, यहाँ पे बंधाड़ जाति के लोग राज किया करते थे। लोहबागगढ़, यहाँ पे नेगी जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है कुंडारागढ़, यहाँ पे कुंडारी जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है धौनागढ़, यहाँ पे धौनियाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है रतनगढ़, यहाँ पे धमादा जाति के लोग राज किया करते थे। फिर है एसारूगढ़, ये गढ़ श्रीनगर के पास में स्थित है। इसके बाद है एड़ियागढ़, यहाँ पे एड़िया जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद अगला गढ़ है लंगूरगढ़ और ये लंगूरगढ़ स्थित है लंगूर पट्टी पे। इसके बाद अगला गढ़ है बाघगढ़, बागड़ू जाति के लोग यहाँ पे राज किया करते थे। इसके बाद है बटकोटगढ़, यहाँ पर बड़वाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है गड़ताकगढ़ और यहाँ पे भोटिया जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है बनगढ़ और ये बनगढ़ स्थित है बनगढ़ स्थान पर। इसके बाद है भरदारगढ़ और ये स्थित है भरदार में। इसके बाद है चौंदकोटगढ़ और यहाँ पर चौंदकोट जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है नयालगढ़, यहाँ पे नयाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है अजमीरगढ़, यहाँ पे पयाल जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है कांडागढ़, यहाँ पे रावत जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद था सांवलीगढ़ और ये स्थित था सांवली खाटली में। इसके बाद है बदलपुरगढ़ और ये स्थित है बदलपुर में। इसके बाद है संगेलागढ़ और ये संबंधित था संगेला जाति से। इसके बाद है गुजडूगढ़, यहाँ पे गुजडू जाति के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है जौटगढ़, यहाँ पे जौनसार के लोग राज किया करते थे। इसके बाद है देवलगढ़, ये स्थित है देवलगढ़ में। इसके बाद है लोधगढ़, ये देवलगढ़ में ये भी स्थित है। इसके बाद है जौलपुरगढ़, ये देवलगढ़ के पास में स्थित है। इसके बाद है चंपागढ़, ये भी देवलगढ़ के पास में ही स्थित है। इसके बाद है डोंडरा कुंवरागढ़ और ये भी देवलगढ़ के पास में स्थित है। इसके बाद अंतिम गढ़ है लोधनगढ़, ये भी देवलगढ़ के पास में ही स्थित है। तो इन सभी 52 गढ़ों में छोटे छोटे राजा स्वतंत्र रूप से राज किया करते थे। फिर जब बाद में अजयपाल ने इन सभी राज्यों को जीत लिया तो इन सभी को मिलाकर कहा जाने लगा गढ़वाल। और इन सबको एक सूत्र में बांटने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पवार वंश के प्रतापी राजा अजयपाल को, और तभी से ये क्षेत्र कहा जाने लगा गढ़वाल। तो ये था कुमाऊं और गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का इतिहास, कैसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई और क्यों क्यों इन क्षेत्रों को गढ़वाल और कुमाऊं कहा जाता है। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल नेगी जी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर उत्तराखंड जीके की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं तथा यहाँ पर करंट अफेयर तथा जॉब रिलेटेड वीडियो भी टाइम टाइम पर डालते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहेगा।
और अब आप हमें हमारे फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर डायरेक्ट जाके हमारे फेसबुक पेज और हमारी वेबसाइट से भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।